नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबके लिए एक व्यंगात्मक कविता लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगे, आप लोगों को पसंद आए। आप प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टहलते टहलते शाम को, टहलते टहलते शाम को दूर कहीं जा मैं पहुँची। कुथल वहाँ मच रहा, झुंड में खड़े थे कई। सब आवाज़ों को चीर कर एक आवाज़ ऊंची उठी। अरे ये तो उनके मुखिया की आई, चिल्लाकर बोले, अरे ओ मनुष्य की औलादो, दंगा फसादों में अपना नाम दर्ज करा लो। फिर सारे गधों ने नाराज़गी प्रकट की, कहा इतनी बड़ी गालियाँ आपने हमें सुना दी। माना कि दिमाग दिया भगवान ने उनको, पर क्या उपयोग में लाए वो उसको। भाई भाई से लड़ता है, दोस्त पीठ पीछे एक दूसरे से जलता है। नारी बनी नारी की दुश्मन, आगे किसी को नहीं बढ़ने देना है। शोषण करने को आदमी हो या औरत, किसी को नहीं छोड़ता है। बच्ची हो या बूढ़ी, द्रौपदी उसे समझ हरदम तैयार रहता है। माँ बाप को खुद से दूर कर खुद को बड़ा आदमी समझता है। अरे ये वो मानव है जो धन के लालच में घर की लक्ष्मी को जलाता है। अरे ये वो मनुष्य है जो धन के लालच में घर की लक्ष्मी को जलाता है। ये वो मानव है जिसने धर्म और जात के नाम पर खूब खून बहाए हैं। सत्ता की कुर्सी के लालच में अपनों तक को नोच खाए हैं। वो बुद्ध महावीर अब कहाँ रहे। इनमें तो बसता रावण है। आज भी विभीषण जला रहा अपनी लंका है। किसी की मौत पर खुद का फ़ायदा उठा जाता है। अरे ये तो वो इंसान है जो मुसीबत पड़ने पर गधों को बाप बनाता है। कह दो हमें तुम कुछ भी भाई, पर ये मानव कहलाने वाली बात हमको ना भाई। अरे रूखी सुखी में मस्त हैं, बोझा दूसरों का ढोते हैं। मेहनत कर ईमानदारी का खाते हैं, तलवे किसी के नहीं चाटते हैं। हम कम दिमाग के जानवर गधे हैं और गधे ही कहलाना चाहते हैं। धन्यवाद।